अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका प्लम्बिंग ब्लॉग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंसील टेस्ट टैप का मोड किस तरीके से फिट करते हैं ये बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होती रहती है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपके कांटेक्ट में जितने भी प्लम्बर हैं उन तक इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, आप भी अपने घर में कमोड बटा रहे हैं या प्लम्बिंग का काम करा रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। दोस्तों, प्लम्बिंग का काम किस तरीके से प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाता है, ये हम सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, है ना। प्रोफेशनल किस तरीके से हमारे काम को बनाना है, प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से करना है, ये इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी हमने इसके वाइट स्मिट के ऊपर कमर को रखा है, इसलिए इसको प्रेस करने के लिए ना इस तरीके से प्रेस करना है। दोस्तों, हमारे चैनल पर प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो आती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नए नए लोगों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद है ना उसको अच्छी तरीके से यहाँ से ऐसा जो सीमेंट बाहर आया है उसको ऐसा निकाल के लेना है। ये देखो दोस्तों, अब हम प्लस टैंक फिट करने वाले हैं, तो उसकी एक्सेसरीज दे दो इस तरीके से रहती है। देखो उसकी एक्सेसरीज दे देती है, उसको अभी कैसे फिट करना है ये वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखो दोस्तों, इसका ये सबसे पहला ये जो एक्सेसरीज है ये फिट कर लेना है। दोस्तों, ये टैंक का जो आउटलेट है ना उसको ना इस तरीके से फिट करना है। जब भी हम टैंक का आउटलेट फिक्स करने लेना तभी इस वाइसर को कंफर्म करके लेना, ये वाइसर को होना ही होना है वरना लीकेज लगेगा। वाइसर नहीं लगाएंगे ना तो लीकेज लगेगा। हर कंपनी का दोस्तों अलग अलग रहता है एक्सेसरीज, हर कंपनी की अलग अलग रहती है, तो जिस तरीके से आता है उस तरीके से असेंबल करके लेना है सबसे पहले टैंक को। दोस्तों, इसको इस तरीके से असेंबल करना पड़ेगा पहले। फिर हम दोस्तों फुटबॉल को इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फिट करके लेना है। दोस्तों, अभी फ्लश टैंक जब भी हम लगा रहे हैं तो इस तरीके से टाइल्स को प्लस होना चाहिए फ्लश टैंक, ये देखो इस तरीके से ऊपर से भी और साइड से भी प्लस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अभी यहाँ पे मार्किंग करके लेना है, ये देखो जितना हमारा फ्लश टैंक के अंदर जाएगा इनलेट, ये जो आउटलेट है ना Thank you.
तक। चले आता अर्धे बिगडे काढ सगळे, अर्धे बिगडे काढी सगळे, ते स्क्रू घे, स्क्रू लागणार आहेत आपल्याकडे।